सो हाई गेज में आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट की एक नई वीडियो के साथ, और आज मैं आपको देने वाला हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए ऑप्टिफाइन से भी अच्छा एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर पैक, जिससे आपका माइनक्राफ्ट एकदम स्मूथ हो जाएगा, ये लिख के रख लो, ठीक है ना, मेरी गारंटी है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं टेक्सचर पैक बता रहा हूँ ये फुल्ली पीसी वाला है जो जावा एडिशन में यूज होता है। चलो मैं उसका पहले नाम बता देता हूँ कि उसका नाम क्या है। उसका नाम है वैनिला टेक्सचर पैक। अगर आपको पता नहीं कौन सा ये वैनिला टेक्सचर पैक है तो आप एक बार गूगल कर लेना, गूगल पर आपको पता लग जाएगा कि वैनिला टेक्सचर पैक किस लिए यूज होता है। ये मैं आपको बता दूँ, ये बेसिकली माइनक्राफ्ट का जो जावा एडिशन का लैग होता है उसको फिक्स करने के लिए यूज होता है। ये माइनक्राफ्ट जावा एडिशन के लिए था, तो मैंने आपके लिए यहाँ पॉकेट एडिशन के लिए ला दिया है। काफ़ी अच्छा, यहाँ पर आपको सब कुछ चेंज देखने को मिलेगा। अगर आपका डिवाइस लो डिवाइस है, जैसे कि 2GB रैम का है, 1GB रैम का है, 3GB रैम का है और लैग करता है, तो ये आपके लिए है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ पर सब कुछ आपका चेंज देखने को मिलेगा, एकदम स्मूथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं आपको टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा, और टेस्टिंग कैसे करते हैं, TNT कुछ ब्लास्ट करके, ठीक है ना। पहले तो ये देखो, सारे यहाँ पर डायमंड्स सब कुछ आपको चेंज देखने को मिल जाएगा, एकदम मस्त है। और यहाँ पर आपको सन मून भी आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी कुछ है। और ये देखो, यहाँ पर सन है, मैं आपको सन दिखा देता हूँ। देखो क्या ही मस्त है, आपका लैग करेगा नहीं। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करके देखेंगे तो आपके में लैग नहीं होगा। काफ़ी अच्छा ये टेक्सचर पैक है। आज भी एक बार इस वीडियो को फुल देखना, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। तो पहले तो यहाँ मैंने सन दिखा दिया, अब चलो आपको मून दिखाता हूँ। ओके, ये देखो रात का नज़ारा कुछ ऐसा है, और मून देखो भाई सब क्या ही मस्त लग रहा है ना, एकदम ओपी मक्खन चलता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, इसके साथ मैं आपको जूम भी दूंगा, जो ऑप्टिफाइन का जूम होता है ना वो भी दूंगा। ऑप्टिफाइन से तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आप एक बार इसको यूज करके देख लेना, फिर इसके बाद मेरे को बताना कि कैसा लगा आपको, ठीक है ना। तो चलो गाइस, मैं आपको पहले यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ TNT ब्लास्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यह कैसे वर्क करता है। सो गाइस, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक TNT रखा, और ये देखो कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब चलो यहाँ पर 4-5 TNT रखते हैं, आप देखना, देखो आराम से यहाँ पर देखना, कोई भी फ्रेम रेट घटेगा नहीं, 90+ FPS है। ये देखो कुछ भी घटा नहीं, कोई भी लैग नहीं हुआ। ये देखो भाई सब क्या ही मस्त लग रहा ना, एकदम ओपी है। सो गाइस, तो है ना काफ़ी अच्छा टेक्सचर पैक। अगर आपको भी अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में ऑप्टिफाइन से भी अच्छा लैग फिक्स करना है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ये देखो वैनिला टेक्सचर पैक है। सिंपल आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना, और आपको स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ सब कुछ फुल गाइड बता रखा है कि क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, इसमें तो आपका लैग पूरा फिक्स हो जाएगा। तो सिंपल आपको नीचे जाना है, नीचे जाओगे तो यहाँ पर MC पैक में यहाँ देखो मिल जाएगा वैनिला MC पैक। सिंपल यहाँ पर क्लिक करना, क्लिक करोगे तो आपको स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, और मेरा ये हो भी चुका, ये आपको कर लेना है। ये कर लेने के बाद आपको प्ले स्टोर से जेड आर्चीवर एप्लीकेशन ये इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसके बाद इस ऐप को ओपन करना, ओपन करने के बाद आपको फाइल के पास चले जाना है। तो ये रहा फाइल, यहाँ पर मैंने रखा हुआ था, ये देखो ये रहा फाइल वैनिला। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ एक एरे का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करो, और यहाँ माइनक्राफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका माइनक्राफ्ट ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, और ओपन होने के बाद देख सकते हो ऊपर लिखा रहा इम्पोर्ट स्टार्टेड, एंड यहाँ थोड़ी देर बाद लिखा आएगा सक्सेसफुल। ये देखो ये हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले तो आपको यहाँ सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ग्लोबल रिसोर्स में जाना है, माई पैक्स में जाना है, और यहाँ से M-Better वैनिला इसको एक्टिवेट कर दो, और यहाँ पर एक्टिवेट में जाकर इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो यहाँ सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, और इसको अभी ऑफ है तो इसको ऑन करना है, तो इसको ऑन कर दो। ये देखो विथ न्यू टेक्सचर पैक, सिंपली इसको ऑन कर देना, ऐसे कर देना। इसके बाद बैक करना, बैक करोगे तो आपका लोडिंग लेगा। तो यहाँ लोडिंग खत्म हो जाने के बाद क्या करना है, आपके में ये लग चुका है, अब सिंपली आपको प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना। आप चाहे तो सर्वर्स में भी खेल सकते हैं, तो सिंपली एक नया वर्ल्ड यहाँ मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसको करता हूँ क्रिएटिव, और स्क्रॉल डाउन करके आपको रिसोर्स पैक में जाके, माई पैक्स में जाके यहाँ से भी इसको एक्टिवेट कर देना, और एक्टिवेट में जाके आपको इसको ऑन कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करो और यहाँ से इसको ऑन कर देना, बस ये वर्ल्ड में यहाँ से एक्टिवेट करना है। सर्वर्स में आ जाएंगे तो आपके में लगा रहेगा, और यहाँ मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, और ये देखो मेरा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है, और देखो मेरे वर्ल्ड में यहाँ ऑप्टिफाइन से भी अच्छा वैनिला लग चुका है, और ये देखो एकदम लैग फिक्स हो जाएगा, और ये देखो डॉट का यहाँ टेक्सचर भी चेंज हो चुका है, और आपका यहाँ एकदम लैग फ्री हो जाएगा, और FPS भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये देखो एकदम फ्री हो चुका है। अब मैं आपको टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा, TNT ब्लास्ट करके इसमें TNT लगाऊंगा, और देखना क्या इसमें आएगा। ये देखो यहाँ पर आपको कोल में देखो थोड़ा सा टेक्सचर बदल जाएगा, ये देखो यहाँ पर सब कुछ बदल चुका, आराम से माइनिंग कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो पहले चलो मैं आपको आर्मर्स दिखा देता हूँ। ये देखो जितने भी आर्मर्स होंगे सारे आपको चेंज देखने को मिल जाएंगे। ये देखो
आयरन के, नेदरराइट के, सबके आर्मर सबको चेंज देखने को मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पर मैं कुछ लगा लेता हूँ। एंड ये देखो भाई सब सन भी है, मून भी है, काफ़ी अच्छी है। और ये देखो भाई सब एकदम मस्त है ना, देख ही सकते हो। और काफ़ी इजीली स्मूथ चलेगा 90+ FPS का, मेरे को तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। और ये देखो काफ़ी कुछ आपको चेंजिंग में देखने को मिल जाएगा। सो गई तो चलो अब कुछ TNT यहाँ पर ब्लास्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा लैग करता है कि नहीं। तो यहाँ से मैंने TNT ले लिया और चलो इस गड्ढे में लगाते हैं। पहले एक TNT लगाता हूँ, ये देखना देखना कैसे करेगा। यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा भी फ्रेम रेट घट नहीं रहा है, एकदम फ्री है लैग। चलो देख ही सकते हैं काफ़ी जल्दी है। सो गाइस तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता आपसे ऐसी ही नई माइनक्राफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।